जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं धनतेरस को लेकर के। लोग बड़े कंफ्यूज हैं, धनतेरस कब की है। कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि दिवाली दो दिन की हो गई है, 31 तारीख की और 1 नवम्बर की। देश में बहुत जगह 1 तारीख को दिवाली मनाई जा रही है और देश में बहुत जगह 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जा रही है। आइए हम धन त्रयोदशी की चर्चा कर रहे हैं कि धन त्रयोदशी पर पूजा कब की जाए। ग्रंथ मेरे सामने रखा है, कार्तिक स्यास्ते पक्षे त्रयोदश्याम तो पाव के, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी पावन कर देती है। यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। इसमें लिखा है त्रयोदशी और चतुर्दशी की पूजा है, अपमृत्यु अकाल मौत से बचा लेती है, ऐसा स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। इसलिए धनतेरस वाले दिन प्रदोष काल में आयु को बढ़ाने के लिए यह पूजन किया जाता है, उम्र बढ़ाने के लिए। चतुर्दशी के दिन रोगों के निवारण के लिए पूजा की जाती है, दिए जलाए जाते हैं। तो वही मैं मुहूर्त आपको निवेदित करने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप पूरा आप सुन लीजिएगा। पूर्व विद्या चतुर्दश्याम कार्तिकस्या सिते तरे। इसमें लिखा है कि चतुर्दशी के दिन तो पूर्व विदा में यानी उसके आरंभ में शुरू में ही उसका दान पुण्य ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा, रूप चतुर्दशी तो 31 तारीख को सुबह, जो आप दान पुण्य स्नान और पर्व मनाते हैं वो 31 तारीख को सुबह, लेकिन छोटी दिवाली के दिए वगैरह जो जलेंगे वो 30 तारीख को ही जलेंगे। पंचांग मेरे सामने रखा हुआ है तो उसी के माध्यम से मैं आपको बात कर रहा हूँ। आइए धन त्रयोदशी यानी श्री कुबेर पूजा ये चर्चा मैं आपको कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिएगा। यह पूजा 29 तारीख को यानी धनतेरस 29 तारीख को साय प्रदोष वेला में दीपदान यम के द्वारा, यम के लिए जो दीपदान किया जाता है, और इसमें श्री पूजन शाम को 5:54 से लेकर के 8:18 तक बहुत अच्छी लगन है, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। इसमें आप अपना पूजन कीजिए, दुकान वगैरह का जहाँ भी आप अपने प्रतिष्ठान का पूजा पाठ करते हैं, आप दीपदान करते हैं, तो इस मुहूर्त में कीजिए। 5:54 से लेकर के 8:18 तक का यह मुहूर्त बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, तो इसमें आप कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखिए, जो त्रयोदशी की तिथियां में ब्राह्मण जमाते हैं तो उदिता में वह त्रयोदशी 30 तारीख को है, तो इसलिए जो ब्राह्मण भोजन की बात है, जो कोई आप अपना श्राद्ध, कोई मासिक श्राद्ध कर रहे हैं या कोई वार्षिक कर रहे हैं, तो उसको आप 30 तारीख को कीजिए। और धनतेरस जो मनाने के लिए जा रहे हैं, धनतेरस के दिए हैं, धनतेरस की जो पूजा है वो 29 तारीख को, मुहूर्त बताया शाम 5:54 से लेके 8:18 तक, इसी में ही आप दीपदान करें, दिए जलाएं। और मैं कहूँगा दिए जलाते समय कुछ नाम हैं यमराज के, यदि उनको बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। क्या क्या है मैं बोले देता हूँ, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, कालाय नमः, वैवस्वताय नमः, सर्वभूत छाय नमः, औदुम्बराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं की पूजा करते हुए इन नामों को लेकर के आप दीपदान करें, आप दिया जलाएं। नरकाय प्रदातव्यो दीप संपूज्य देवता, नरकों से बचाने वाला, दुर्गति से बचाने वाले यह दीप है, दिया है। तो यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षाय च औदुम्बराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वही नमः। तो यह यमराज के 14 नामों का वर्णन किया गया और उन्हीं का उच्चारण करते हुए तर्पण किया जाता है। इन दिनों में 5 दिन की दिवाली मनाई जाती है, धन त्रयोदशी से शुरू होती है और भाई दौज के दिन पूरी होती है। दिवाली का उत्सव 5 दिन मनाया जाता है, तो इसमें पूजा पाठ की बड़ी महत्वता इसमें दी जाती है। तो ये मैं अगली वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि दिवाली के दिन जो 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, हम लोग भी 1 तारीख को ही मना रहे हैं, तो उस समय दीप प्रज्वलन का मुहूर्त क्या है, वह भी अगली वीडियो में आप सुनेंगे। अभी मैंने आपको धन त्रयोदशी की बात करी है, धन त्रयोदशी 29 तारीख को, मुहूर्त पूजा का शाम को 5:54 से लेकर के और 8:18 तक का बहुत बढ़िया मुहूर्त है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं एक बार ये कहूँगा कि शाम को ये आप दीप वगैरह पूजा
श्री पूजा वगैरह ये आप करें, लेकिन 30 तारीख को सुबह भी आप अपने अपने प्रतिष्ठान पर जाएं, क्योंकि उदिता में त्रयोदशी पड़ी है, तो सुबह आप 10 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान में जा करके उस समय भी अपने बही खातों को पूजिए, ब्राह्मण को बुलाइए, हो सके तो गोपाल सहस नाम का पाठ कराइए 30 तारीख को सुबह। धनतेरस 29 को ही है, लेकिन विशेष योग में सुबह 10 बजे तक आप अपने प्रतिष्ठान पर पहुंचकर एक गोपाल सहस नाम का पाठ अपने प्रतिष्ठान में कराइए, बहुत आनंद होगा। ये श्री वर्धक होगा, यह लक्ष्मी वर्धक होगा। ब्राह्मण त्रयोदशी का ब्राह्मण है वो, आप 30 तारीख को 29 तारीख को पूजा कीजिए, दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलाइए 30 तारीख को और उसे भोजन कराइए और कुछ दक्षिणा और उसे वस्त्र दीजिए 30 तारीख को। तो ये मुहूर्त मैंने आपके पास तक पहुंचाया है, लोग कंफ्यूज ना हो, ये वीडियो आगे तक आप जरूर अवश्य में जरूर भेजिएगा। हम भी धन त्रयोदशी पर अपने ग्रंथों का पूजन करते हैं, अपने पुराणों को पूजते हैं, तो मैं एक बार फिर कहूँगा जो दीप प्रज्वलन की बात है वो हम सब 29 तारीख को ही कर रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को उसका विशेष मुहूर्त है। 10:31 पर धनतेरस त्रयोदशी आरंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन 30 तारीख को दोपहर के मध्यान्ह के समय तक है, 1:00 तक है। तो मैं एक बार फिर कहूँगा आप श्री पूजा, आप कुबेर पूजा जो आप करते हैं, आप दिए जलाते हैं 29 तारीख की ये शाम को कीजिए, ब्राह्मण भोजन 30 तारीख को आप सुबह कराइए, अपने प्रतिष्ठान पर भी पहुंचिए। भले आप 29 तारीख को पूजा कर रहे हैं, फिर भी आप 30 तारीख को सुबह 10 बजे तक आप अपने प्रतिष्ठान पर पहुंच करके वंदन कीजिए, पूजन कीजिए, ब्राह्मण बुलाकर हो सके तो गोपाल सहस नाम का पाठ। ब्राह्मण न हो तो संस्कृत तो आपसे आएगी नहीं, आप हिंदी में भी आप यह पाठ कर सकते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही ज़्यादा महिमा है। बहुत लोग तो खाटू श्याम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि स्वयं यक्ष ही श्याम बाबा बन करके आए हैं, तो वो भी बहुत बड़ी एक उन्नति का कारण ही है, तो उन्हें भी आप वंदन प्रणाम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए, इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। वीडियो आगे आप जरूर भेजिएगा।